Hello friends, welcome back to my channel Sneha's Embroidery World. So मैं यहाँ ले रही हूँ double color thread, pink और white combination. आज हम करेंगे stem stitch. आपको पहले एक normal से stitch लेना है. लेकिन आपको धागे को पूरा नीचे तक लेके नहीं जाना है. फिर थोड़ा पीछे backward जाके needle को ऊपर लाना है. बस खत्म ये stitch इतना ही है, simple है. इसको कहते हैं stem stitch. Same again. आपको एक stitch लेना है. आधा फिर बैकवर्ड जाकर नीडल को ऊपर लाना. मैंने पूरा रिबन को स्टेम स्टिच के साथ कंप्लीट कर लिया है. फिर मैं यहाँ ले रही हूँ डबल कलर, ऑरेंज और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में थ्रेड. अब यहाँ हम करेंगे चेन स्टिच. हमें पहले धागे का साथ एक सर्कल को रेडी कर लेना है, फिर उसके अंदर से स्टिच को लेना है. पहले एक लूप को क्रिएट कर लेना है, उसके बाद स्टिच लेना है. चेन स्टिच के साथ मैं पूरे जार को कम्प्लीट कर रही हूँ. अब हो गया है कंप्लीट जार और रिबन. मैं यहाँ ग्रीन कलर ले रही हूँ लीव्स के लिए और एक सिंपल सा बैक स्टिच दे रही हूँ. और अगर आपको बैक स्टिच कैसे करना है पता नहीं है तो मैं आई बटन पे लिंक दे देती हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए.
मैं यहाँ बैक स्टिच के साथ पूरे लीव्स और स्टेम्स को कंप्लीट कर रही हूँ। बैक स्टिच कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ फ्लावर भी बना चुकी हूँ रेड कलर के धागे के साथ। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको पहले एक लूप क्रिएट कर लेना है चेन स्टिच की तरह, और एक स्टिच लेके आपको नीडल ऊपर खींच लेना है। हो गया बटन होल स्टिच। फिर उसके साइड में आपको फिर से और एक लूप क्रिएट करके स्टिच लेना है। इस स्टिच को मैंने अपने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं पुराने। अब मैं यहाँ सैटिन स्टिच देके इसको फिल कर रही हूँ। मैं यहाँ फ्लावर के आउटर साइड पेटल्स को ही बटन होल स्टिच दे रही हूँ। लेफ्ट ओवर फ्लावर को मैं बैक स्टिच के साथ कंप्लीट कर दूंगी। अगर आप पूरा फ्लावर को बटन होल स्टिच के साथ करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ बैक स्टिच दे रही हूँ। Thank you.
हमारी फ्लावर की स्टिचिंग कंप्लीट होने जा रही है और पूरी एम्ब्रॉयडरी भी खत्म हो चुकी है। ये पूरी तरीके से ऐसे दिखेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।